भारत के सबसे पवित्र शहरों में शुमार अयोध्या, जिसे साकेत और रामनगरी के नाम से भी जाना जाता है। अयोध्या का दिवाली से एक अलग ही नाता है। भगवान श्री राम जब लंका के राजा रावण का वध कर पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या वापस लौटे, तो उस दिन पूरी अयोध्या नगरी दीपों से जगमगा रही थी। भगवान श्री राम के 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या आगमन पर हर नगर हर गांव में दीपक जलाए गए। इस साल भी एक बार फिर से दीपावली में अयोध्या को दुल्हन जैसा सजाया जाएगा। तो अयोध्या में दीपावली को लेकर तैयारी कैसी चल रही है और इस बार क्या कुछ खास है? दरअसल अयोध्या में 3 दिन के दीपोत्सव का आगाज आज से शुरू हो रहा है। पूरी अयोध्या को सजाने और सवारने का काम अंतिम चरण में है। दीपोत्सव में भारत की लोक संस्कृति की झलक भी दिखेगी। ऐसे में दीपोत्सव में 24 राज्यों के करीब 2500 कलाकार अपनी संस्कृति का प्रदर्शन करेंगे। गुजरात का गरबा, केरल का कथकली, राजस्थान का कालबेलिया नृत्य आकर्षण का केंद्र होगा। 9 से 11 नवंबर तक भरतकुंड, गुफ्तार घाट, बिड़ला धर्मशाला, रामघाट पर रामकथा पार्क में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होगा। वहीं भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में एक बार फिर दीपोत्सव कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए सारी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। इस मौके पर जय श्री राम के उद्घोष के साथ राम की पैड़ी और चौधरी चरण सिंह के 51 घाटों पर दीयों को सजाने का काम भी जारी है। 11 नवंबर को अयोध्या में 21 लाख दीपक जलाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया जाएगा। इसके लिए 25,000 से ज्यादा वॉलेंटियर्स 24 लाख दीयों को सजाने के काम में जुट गए हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर प्रतिभा गोयल के अनुसार इस बार भी दीपोत्सव को भव्य बनाया जाएगा, जिससे दीपोत्सव में एक बार फिर हम विश्व रिकॉर्ड बना सकेंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा दीपोत्सव को अलौकिक बनाने के लिए खास तैयारियां की गई हैं। सभी वॉलेंटियर्स के द्वारा दिए, बाती, कैंडल और अन्य सामग्री को इकट्ठा किया जा रहा है। विश्वविद्यालय और जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए पहचान पत्र के साथ ही दीपोत्सव स्थल पर वॉलेंटियर्स और अन्य का प्रवेश होगा। वॉलेंटियर्स द्वारा दीयों को जलाने के लिए 2.5 फीट का और 16x16 दीयों के ब्लॉक के लिए 4.5x4.5 वर्ग फीट का स्पेस निर्धारित किया गया है। इसी तरह 14x14 का भी ब्लॉक बनाया गया है। इन्हीं ब्लॉकों के दीयों को वॉलेंटियर्स द्वारा जलाया जाएगा। लगे हाथ आपको बता दें कि दीपों की साइज 24 ml की होगी। इसमें 25 से 30 ml सरसों का तेल वॉलेंटियर्स द्वारा डाला जाएगा। आज वॉलेंटियर्स द्वारा घाट प्रभारी की देखरेख में सभी घाटों पर दीयों को बिछाने का काम पूरा कर लिया जाएगा। वहीं 10 नवंबर को दीयों के सजाने और लक्ष्य पाने के बाद घाटों की साफ सफाई और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम द्वारा दीयों की गिनती की जाएगी। दीपोत्सव में 4 देशों की रामलीला भी आयोजित होगी। रूस, श्रीलंका, नेपाल व सिंगापुर के रामलीला कलाकार अवध की धरती पर रामकथा का मंचन करेंगे। विदेश रामलीला का शुभारंभ रामकथा पार्क में बृहस्पतिवार रात 8 बजे से होगा। वहीं साकेत महाविद्यालय में रामकथा आधारित झांकियां भी सजेंगी, जिसका रिहर्सल 10 नवंबर यानी कल से होगा। एक जरूरी बात ये कि बहुत सारे लोगों की इच्छा होती है कि वो अयोध्या में होने वाले दीपोत्सव में खुद शामिल होकर दीपदान कर सके, लेकिन तमाम तरह के कारणों के चलते वो इसमें शामिल नहीं हो पाते। ऐसे लोगों के लिए पर्यटन विभाग ने होली अयोध्या ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के माध्यम से आप देश विदेश के किसी भी कोने से दीपक बुक करा सकेंगे। विभाग के प्रमुख सचिव मुकेश कुमार के मुताबिक एंड्रॉइड और एप्पल स्टोर पर होली अयोध्या ऐप उपलब्ध है। जो भी श्रद्धालु दीपदान करना चाहते हैं, वो इस ऐप को डाउनलोड कर एक तय धनराशि देकर अपने दीपक को बुक करा सकते हैं। इन दीयों को जलाने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मिलते हैं अन्य जानकारियों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।